पोडियम सेट कर रहे हो जना जका लाइव ने सेट कर रखे है बा यहाँ क्यों के थोड़ा सावल सेट करो पोल आ रही है अन पोल दिखे लोगों ने अंधेरो ही कौन दिखे कि कितो मोटो अंधेरो आ रही है आंधीना के अंदर। अरे विचार करने की जरूरत है क्या हो अगर नीले रंगो झंडो हूं तो किन्हीं आमंत्रण देने की जरूरत को नहीं होती क्योंकि 50-50 हजार की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थारी कब्र खोद रहे हैं थारी जड़ा खोद रहे हैं थारे पगने बांधने को प्रयास कर रहे हैं लेकिन धिक्कार है तमाम लोगों पर जगह आंखों पर पट्टी बांध के बैठे। अरे किसे जनप्रतिनिधि ने दोष दे रहे हो किसे सांसद ने दोष दे रहे हो किसे स्वर्ण समाज के विधायक और सांसद ने दोष दे रहे हो। मैं बांगे सागे हूं क्योंकि बांगी बहादुरी है कि मैं आपकी मेहनत हूं सदन में पहुंचा है और तमाम खेरात के पक्षधर नेताओं के सामने मुंह पर पट्टी बांध आंखिया पर पट्टी बांध रहे बैठे हैं क्योंकि मैंने आपको वर्चस्व बताना है किंगे तान लड़सी किंगे तान आपने तान जका लोग आपकी प्रतिक्रिया आपके चेहरे ने दिखाने के लिए जका ने संकोच आ रहे है। अरे 500-500 किलोमीटर दूर हूं मारे टेलीफोनिक संपर्क के कारण 500-500 किलोमीटर दूर हूं प्रतिनिधि पधारे है जका थारे लिए लड़ रहे है जनता के लिए लड़ रहे है मारे कोई फर्क कौन पड़े। आयोजक के नाते प्रथम दिन दिनेश जी भाई साहब SS टाइगर भाई साहब आयोजन के पहले दिन जब इस आयोजन की रूपरेखा तैयार हो रही थी तो प्रथम दिन हमने यह तय किया था कि जिस दिन संख्या 100 से 101 हो गई उस दिन हम अपने आप को सफल समझेंगे और निश्चित रूप से विफलताओं से पूरे जीवन के अंदर विफलताओं का सामना किया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रयास रुक जाएंगे ये संघर्ष रुक जाएगा। पीड़ा इस बात की है दोस्तों कि आजादी से लेकर अब तक पिछले 75 वर्षों में आपके दिए गए टैक्स के पैसों को किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है लेकिन मजाल है कि हम आवाज भी उठा सके मजाल है कि उस आवाज का हम जवाब भी दे सके। इतनी जन चेतना मर चुकी है हमारे अंदर कि हमें बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं है कि वास्तव के अंदर हमारे हक और अधिकारों को किस प्रकार से कानून के दायरे में समझौते हुए ये तथाकथित खेराती लोग जनप्रतिनिधित्व करते हुए अपने हक और अधिकारों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जिस पार्टी का झंडा उठाकर चल रहे हो ना मैं उन्हीं के पार्टी की उन्हीं राजनीतिक दलों के कारनामों को जब आपके बीच में रखने जाऊंगा तो शर्म से आपकी आंखें ना झुक जाए तो झंडा उठा के घूमिएगा हमें कोई परवाह नहीं है। आप कल्पना करिए दो तारीख को जब यहाँ पर बजट पेश किया गया राज्य केंद्र सरकार का आप कल्पना करिए 1,39,000 करोड़ रुपए केवल आरक्षित वर्ग के विकास के लिए एक साल के लिए इस केंद्र सरकार ने दिए। मैं ये आंकड़ा पुनः कह देना चाहता हूँ 1,39,000 करोड़ रुपए महज एक साल के लिए और इस देश का दुर्भाग्य है कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए केवल और केवल 90,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। 135 करोड़ जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य के लिए इस देश को चिंता है महज 90,000 करोड़ रुपए लेकिन खिरात को परोसने के लिए 1,39,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये उन वर्ग के लोग आते हैं जो वर्ग मृत अवस्था में है जो वर्ग जिंदा नहीं है झंडे की राजनीति के नीचे पंथ धर्म जाति पंथ संप्रदाय की राजनीति के नीचे इतना कुचल चुके हैं इतना कुचले हुए हो चुके हैं कि हम पर कितना भी अत्याचार हो हम मुड़कर उसका जवाब नहीं देंगे। ये जो मामला मैंने 1,39,000 करोड़ का बताया ये केंद्र सरकार का है। अब मैं राज्य सरकारों पर आता हूं। वर्तमान आपकी राज्य सरकार राजस्थान सरकार ने आरक्षित वर्ग के लिए 30,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया एक साल का 30,000 करोड़ रुपए। क्या आपके नाम से आयोग बन पाया भाई साहब जिसमें आपको महज 200-300 करोड़ रुपया दिया जाए बन पाया? कभी नहीं बनेगा क्योंकि हम में ताकत नहीं है मृत अवस्था के अंदर हम हैं। इसलिए कभी आयोग का सपना मत देखिएगा कि किसी दिन स्वर्ण आयोग या जनरल कैटेगरी का भी कोई आयोग हो ऐसा सपना मत देखिएगा। क्यों? क्योंकि हम कहीं भी हमारी प्रभुत्ता हम कहीं भी हमारी उपस्थिति दर्ज कराने में ही जब कामयाब नहीं है तो हम किस तरह से इस बात की उम्मीद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार जब 6-8 महीने पहले 12 महीने पहले मध्य प्रदेश में सरकार बनी
तो आपको मैं बता दूं कि उनकी पॉलिटिकल व्यवस्था के अंदर सबसे पहला एजेंडा यह था कि आरक्षित वर्ग को 40,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा, और उस अपने एजेंडे को उन्होंने सत्यापित करते हुए 20 दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार ने आरक्षित वर्ग के लिए 45,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया, लेकिन जनरल के लिए बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि हम इसी लायक हैं। हमारी जो पीड़ा है, हम जिस बात को व्यक्त करते हैं वो कहां पर करते हैं? आज भी जितने लोग यहां होंगे उससे ज्यादा इस लाइव को देख रहे होंगे, लाइक शेयर कमेंट इन सब में लगे हुए होंगे, सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चाएं हो रही होगी, जैसा रंगा जी बता रहे कि ट्रोल हो रहे होंगे। सोशल अगर भाषा में कहें तो ट्रोल को एक गाली का शब्द दिया जाता है, तो गालियां दी जा रही होगी। लेकिन बंधुओं, ये किसी एक व्यक्ति SS टाइगर या सर्वेश पांडे या दिनेश राणेजा के घर में कोई व्यवस्था नहीं जाने वाली है, ना ही ये व्यवस्था संपत सारस्वत के घर जाने वाली है। इस व्यवस्था के ऊपर अगर कार्य किया जा रहा है तो निश्चित रूप से ये तो सक्षम है ही, इन्हें किसी प्रकार की आरक्षण की जरूरत नहीं है। अब तो पीड़ा ये है कि हमारे ही परिवार, हमारे ही समाज, हमारे ही लोग, और कैसे कैसे लोग, अभी रंगा जी ने एक उदाहरण आपके सामने पेश किया था, तो मैं आपको एक तरोताजा एक उदाहरण आपको दे देता हूं। 4 दिन पहले सूरत के अंदर एक वाकया हुआ, मैं सूरत से बिलोंग करता हूं, सूरत में रहता हूं, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 4 दिन पहले सूरत में एक वाकया हुआ, और वहां पर एक सोसाइटी के अंदर ये प्रेसिडेंट सचिव ऐसी कमेटियां बनती है, तो साल भर हुआ तो पुरानी वाली कमेटी में कोई दुर्भाग्य से जो अध्यक्ष था वो दलित समुदाय से था, और इस बार के चुनाव में वो अध्यक्ष जो थे वो वोटों की राजनीति में हार गए, और एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति, बिल्कुल सारस्वत परिवार का एक व्यक्ति वहां पर अध्यक्ष बन गया। और सोचिए कि 5 दिन बाद वो हारा हुआ अध्यक्ष स्थानीय थाने में जाके रिपोर्ट लिखाता है कि मेरी भावनाएं आहत हो गई, इन्होंने मेरे साथ गाली गलौज कर लिया। एक तो क्या है कि इनका भाई साहब संविधान बहुत जल्दी खतरे में आ जाता है, और एक इनकी भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती है। कल्पना करिए कि वो जो व्यक्ति सामान्य वर्ग से था, पिछले 3 दिन से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, हम राजस्थान के लोग हैं, हमारे घर पे तो तकादे वाला आ जाए तो भी हमारी नींद उड़ जाती है, उसके यहाँ तो 3 दिन से पुलिस आ रही थी घर पे अरेस्ट करने के लिए। कल्पना करिए आप कि उसकी जांच करने वाले से लेकर तमाम वो लोग उसी के वर्ग से थे, और पिछले कल शाम से लेकर अब तक हमने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लगाने के बाद में हम इतना कर पाए कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, और उसे जैसे तैसे करके माथा टेक के माफी मांगते हुए उसका सेटलमेंट करवाना पड़ा। अरे कितना मरेंगे हम, कितना जमीर को मारेंगे। एक उदाहरण आपके बीच में और देता हूं जो 3 दिन पहले मेरे पास आया। अहमदाबाद में एक बनिया समुदाय से एक व्यक्ति थे, जो बनिया आजकल आरक्षण विरोध के या SC ST एक्ट कानून के खिलाफ की किसी मुहिम में ये सोच के हिस्सा नहीं बनते हैं। मैं तमाम उन लोगों तक इस वीडियो के माध्यम से बात पहुंचा देना चाहता हूं कि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, और अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले जिस परिवार का, जिस व्यक्ति का मैं जिक्र इस चर्चा में करने जा रहा हूं, उसके स्वाभिमान को बचा लेना। हम समझ लेंगे कि कम से कम बनिए तो जागरूक हो चुके हैं। अहमदाबाद में एक व्यवसायी जिनकी एक मील चलती है, करीबन 1,000 के कर्मचारी उसके अंदर काम करते थे। सरकारी आर्थिक नीतियां समझ लीजिए, या GST समझ लीजिए, या वर्तमान व्यवसायिक व्यवस्थाओं की तकलीफ समझ लीजिए कि एक मंदी का दौर आया और उन्हें उन 1,000 में से 700 लोगों को छोड़ने की नौबत आ गई। उन्होंने एक यूनियन की मीटिंग बुलाई, जो उस लेबर यूनियन के अध्यक्ष थे, उन्हें कहा कि ये जो 1,000 के कर्मचारी हैं, अब मैं इनकी व्यवस्था नहीं संभाल सकता, मेरे पास इतना काम नहीं रहा है, तो मैं इनमें से 700 कर्मचारियों की छंटनी करना चाहता हूं। ये मैं वाकया प्रैक्टिकल बता रहा हूं, किसी में ताकत हो तो उस बनिए को बचा ले, क्योंकि अभी तक वो बनिया घर से बाहर है। 1,000 करोड़ रुपए की पार्टी, 700 लोगों को उसने जब कर्मचारियों को छुट्टी की, तो यूनियन ने यह तय किया कि 3-3 लाख रुपए की कंपेंसेशन आपको प्रत्येक व्यक्ति को देनी पड़ेगी। वो उस बात पे भी एग्री हो गया कि मैं 3-3 लाख रुपए भी इनको दे दूंगा, लेकिन 700 कर्मचारियों की मुझे छुट्टी करनी है। छुट्टी होने के बाद में दुर्भाग्य से उन 700 कर्मचारियों में 20 ऐसे लोग होते हैं जिनकी भावनाएं आहत हो जाती है, और उन्होंने उस व्यवसायी के ऊपर SC ST का मुकदमा दर्ज करवा दिया 20 दिन पहले। आप कल्पना करिएगा, BMW और OD अपनी साख के बलबूते पर कमाई हुई
तमाम संपत्ति में रहने वाला वो व्यक्ति पिछले 15 दिनों से झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर दर दर छुप के घूम रहा है, क्योंकि पूरे प्रशासन में उसने पैसे का जोर लगा के देख लिया। वो यही कह रहे कि गिरफ्तार तो होना पड़ेगा, आपने भावनाएं आहत कर दी है। क्या अब भी हम नहीं जागेंगे? क्या वाकई में इतने कमजोर और इतने मृत हो चुके हैं कि अब भी हम अपने हक और अधिकार के लिए नहीं प्रयास कर सकते? किस किस स्तर पर? क्या वाकई में आपके घर में 5 सदस्य हैं और आपके घर के मुख्य सदस्य की ही गर्दन काटने से आप जागेंगे? लेकिन ऐसी व्यवस्था जब आई तो बहुत देर हो चुकी होगी। पहले मुख्य सदस्य की जब गर्दन कटेगी तो अपनी भी गर्दनों को संभाल के रखिएगा, आपके साथ ना जाने क्या क्या हो जाएगा। इसलिए हमें कोई पीड़ा नहीं है। मैं अध्यक्ष, जितने यहाँ पर हमारे अतिथि पधारे हैं, इन्होंने निश्चित रूप से हमारे सोच और हमारे विचारों का मान सम्मान करते हुए यहाँ तक का मुकाम हासिल किया है। मैं सबसे पहले तमाम यहाँ पर पहुंचे हुए लोगों से कहना चाहूंगा कि मंच पर विराजमान तमाम अतिथियों का एक बार करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत करें। निश्चित रूप से ये स्वर्ण समाज के वो शेर हैं जो हमारे हक और अधिकारों के लिए 500, 400, 700 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं। पिछले एक महीने से ये पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। और एक महीना क्या, मैं कुछ भाइयों को, ऐसे टाइगर और दिनेश राणेजा और तमाम ऐसे भाइयों को देख रहा हूं जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से 15 वर्षों से अपने घर बार छोड़ रखे हैं, अपनी व्यवस्थाएं छोड़ रखी है, केवल और केवल राष्ट्र विकास के लिए, स्वर्ण समाज के विकास के लिए और मानवता के हक और अधिकार के लिए ये लोग कार्य कर रहे हैं। तो एक बार मेरा आप सबसे निवेदन है कि करतल ध्वनि से इनका हार्दिक स्वागत करें ताकि इनका मनोबल बना रहे। और मैं रंगा जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर अब धीरे धीरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अब आयोजन को रोकना ठीक नहीं रहेगा। थोड़ी देर में हमारे बीच में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव गोगामेडी जी भी हमारे बीच में पधार रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि परिवार तो वो भी भला फुला होता है जिस परिवार में 3-4-5 सदस्य होते हैं। यहाँ तो उनके परिवार में हम काफी संख्या में लोग खड़े हैं, तो जब वो इस ग्राउंड में पधारे तब एक साथ सभी खड़े होकर उनका हार्दिक स्वागत करें और उन्हें मंच पर विराजमान करें। निश्चित रूप से आज यहाँ से लेकर हंसराज गोदारा जी तक की जितनी लिस्ट है, ये तमाम वो लोग अपने वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं, अपनी जुबान के लिए जाने जाते हैं, उनके जुबान के ऊपर बैठी सरस्वती के लिए जाने जाते हैं। तो ये परम सौभाग्य है हमारा कि हम सबको, मैं तो बोनस में आपको मिला हूँ, ये मेन वक्तव्य तो बाकी है, तो इनका वक्तव्य आप लोगों को सुनने को मिलेगा और हम सब लोगों के वक्तव्य और विचारों को सुनकर उनको प्रवाहित करने का प्रयास करेंगे। मैं रंगा जी से कहूंगा कि अब इस आयोजन को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भाई सर्वेश पांडे ने जिस प्रकार से अपनी मुखरता से बात रखी है, एक शब्द का प्रयोग किया था, इस वजह से मुझे यहाँ बीच में आना पड़ा। इन्होंने कहा हमारा डीएनए टेस्ट करवाइए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया से या तकनीक से कितने लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर फुर्सत मिले, यहाँ ना आने से फुर्सत मिले या घर में कोई काम से फुर्सत मिले, तो यूट्यूब पर एक नाम सर्च करिएगा जिसका नाम तो वामन मेसराम है, लेकिन हम प्यार से उसको वामन बेसरम कहते हैं। वामन मेसराम नाम का एक खेराती पिछले 30 साल से 1 रुपए की गेहूं खाकर ब्राह्मणों पर, राजपूतों पर, इस देश को खंडित करने का जो कार्य कर रहा है, वो पिछले 1.5 महीने से, जब से एनआरसी और सीएए लागू हुआ है, तब से एक ही राग लाप रहा है कि सबसे पहले ब्राह्मणों का डीएनए टेस्ट करवाइए। ये तो यूरेशियन है। और मैंने जब उनसे पूछा कि यूरेशियन की परिभाषा क्या है, तब उन्होंने कहा कि आप 700 साल पहले इस देश में आए थे। मैं इस चर्चा के माध्यम से, इस सभागार के माध्यम से कह देना चाहता हूं, और मैंने उन्हें भी कहा था कि वामन मेसराम, इसका मतलब ज्ञान में आप अधूरे हो। आपको पता नहीं है कि केरल के कालड़ी से चलकर जब आदि गुरु शंकराचार्य जी कश्मीर के शंकराचार्य पर्वत पर दक्षिणी मुखी द्वार खुलवाकर जब पूरे तमाम विश्व के तमाम विद्वानों को बैठकर पंचांग तय करते थे, पूरे विश्व में वो पंचांग लागू होता था। आज इस सृष्टि का सबसे पुराना अगर कोई कैलेंडर है तो पंचांग है, और उसको 5523वां साल चल रहा है। तो ब्राह्मण 700 साल कैसे हो गया भैया? 5523वें साल की जिम्मेवारी तो आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा हमें मिल रही है। उस परंपरा को हम गुरु परंपरा को निभा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने
फोकट का खाका के इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ऐसे लोग अपने आप को धर्म के नाम पर लड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस सभागार से मैं बता देना चाहता हूं कि एक महीना पहले जो व्यक्ति ब्राह्मणों को गरिया रहा था, दुर्भाग्य से दो दिन पहले वो पब्लिक पार्क में भी बोल रहा था, तब मेरी इच्छा हुई, मैंने मेरे साथियों को कहा कि मुझे इस गोविंद राम मेघवाल को सुनने दिया जाए। उन्होंने कहा क्यों, अभी तक मन नहीं भरा। मैंने कहा मन तो भर गया, लेकिन जो जहर मेरे अंदर आना चाहिए था वो अब खत्म हो चुका है। थोड़ी देर इस खैराती को सुन लूंगा तो और ओवरफ्लो हो जाऊंगा और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने के लिए निकल जाऊंगा। जब मैं गोविंद राम मेघवाल को सुन रहा था तो उन्होंने विरोध करते करते, हिंदू मुस्लिम करते करते अपने ज्ञान का परिचय हमें दे दिया। और उन्होंने क्या कहा कि आज इस देश में मोदी सरकार ने CAA लागू कर दिया है। CAA मतलब सिटीजनशिप। आगे 7-8 सेकंड घंटी बजी, अगला नाम ही नहीं आया नेताजी को। और फिर बोलते हैं एक्ट कानून। मैंने वही खड़े खड़े ऐसे तालियां बजाई। उन्होंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा यह क्या घंटा विकास करेंगे, इनको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का नहीं पता है, नागरिकता संशोधन कानून का इनको नहीं पता है। अगर ये लोग संविधान पढ़ लेते तो राष्ट्र को तोड़ने का प्रयास नहीं करते भाइयों। इन्होंने वो नीली किताब पढ़ी भी नहीं है। खाली जय भीम कर देने से देश का विकास नहीं हो सकता। हम वास्तव में दलित विरोधी नहीं है, हम केवल उस बात के विरोधी है कि आप 40 लाख की गाड़ी से उतरते हो और जाति प्रमाण पत्र दिखाकर 1 रुपए किलो की गेहूं मांगते हो। अरे हम आपके उन वंचित भाइयों को जागरूक करने का प्रयास रहते हैं जिनके नाम से आप गेहूं लेकर आते हो और वो आज भी आजादी के 75 वर्ष बाद भी आपकी वजह से भूखे हैं, आपकी वजह से उनका विकास नहीं हो पाया और आपकी वजह से वो दलित और शोषित हैं। ठाकुरों और ब्राह्मणों ने पता नहीं उन पर अत्याचार किया कि नहीं किया, पिछले 75 सालों में आप उनका जरूर हक और अधिकार खा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रंगा जी से कहूंगा कि सारस्वती और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सारस्वती आओ एक बार इनके नाम की जोरदार तालियां हो जाए। मैं एक नारा लगवाता हूं, उसमें पूरे जोर तरीके से साथ दोगे। मैं कहूंगा सारस्वत जी आप आगे बढ़ो, आप लोग बोलोगे हम आपके साथ हैं। सारस्वत जी आप आगे बढ़ो, सारस्वत जी आप आगे बढ़ो। मेरे देश के नौजवान साथियों, ये आज बीकानेर से शुरुआत है इस आंदोलन की। यह आंदोलन एक चिंगारी बनकर के आज यहां से शुरू हुआ है और पूरे राजस्थान में होते होते पूरे भारत में जाएगा और लास्ट में दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार को पसीने पसीन कर देंगे। मेरे देश जो संकल्प लिया है, जो बीड़ा उठाया है, वो हम सब के लिए बहुत कारगर है। आज एक शुरुआत है। मैं भारत हूँ, राष्ट्रवादी स्वाभिमान समागम, इस विषय को लेकर के हम सब के बीच में एक चेतना की लहर यहां पर आपने पैदा करने की एक शुरुआत की है। मैं दिनेश ओझा और उन साथियों से कहूंगा कि वे ऊपर आएं और संपत जी का स्वागत करें। आप बाद में बोले, पहले मैं बोलूंगा, क्योंकि इस 2 मिनट बैठ जाएं सर, 2 मिनट बैठ जाएं। आप लंबे समय से हैं हमारे साथ में। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सुखदेव सिंह जी गोगामड़ी और हमारे तमाम उन मेहमानों का जो हजारों किलोमीटर दूर चल करके हमारे बीच में आए हैं। मुकेश जी आप आए, दिनेश जी आप आए, सही राम जी आप भी आ जाएं। सही राम मेरे साथ ही हैं सर और आप उनके भांजे हैं और सूरत अहमदाबाद से चलकर आप यहाँ पर आए हैं इस पुष्करणा स्टेडियम में। एक बेहद खूबसूरत विषय को लेकर के एक शुरुआत की है और अब संपत जी आभार भी कर रहे हैं और मैं चाहूंगा डीएन जोशी जी यहां पर हैं, देव नारायण जी वे भी इस मंच पर आ जाएं। अभी तक नींव की ईंट की तरह वे हमारे साथ में रहे हैं। मैं उत्साह के अंदर कुछ चीजें आपको कहना भूल गया था। मैं भी एक लोकतांत्रिक पार्टी का वोटर हूं। आप सभी भी किसी ना किसी पार्टी को वोट देते होंगे, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं तो आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ये आवाज जरूर पहुंचाइएगा कि जिस तरह से एयरपोर्ट के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, शहरों के चौराहों के बीच में आप अबला नारी की चूल्हे के साथ फोटो लगा के और बड़ी बड़े अक्षरों में लिखते हो कि आपने गैस सब्सिडी छोड़ी इसलिए इसका चूल्हा जला, उसी प्रकार से अर्जुन राम मेघवाल, रामविलास पासवान और रामदास अठावले, उदित राज जैसे अपने मंत्रियों की फोटो लगाकर भी आप पोस्टर लगवाइए कि इन्होंने आरक्षण छोड़ा इसलिए ये दलित समुदाय के लोग जो हैं वो विकासशील हुए हैं। ये बात मोदी जी तक पहुंचनी जरूर।
जरूरी है, बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें इस बात का। इस देश में हो रहा है, मैं धन्यवाद संबोधन के लिए मेरे साथी और वास्तव में पर्दे के पीछे रह के एक इंटेलेक्चुअल का काम करने वाले डीपी जोशी और पंकज जी जोशी से आग्रह करूंगा कि मंच पर आकर एक बार सबका धन्यवाद अर्पित करें। आदरणीय श्री डीपी जोशी जी। आई जोशी जी, मैं भारत मैं डीपी जोशी आप सबका अत्यंत आभारी हूं कि आप सबने एक अमूल्य समय यहां पर निकाला। धन्यवाद।